सुपर पावर के जो दो सदर हैं वो आपस में लड़ रहे हैं कि मोदी मुझसे मिलने आए, वो कहते हैं मोदी मुझसे मिलने आए, यानी कि वो इतनी बड़ी पावर बन चुके हुए हैं। इमैनुअल मैक्रॉन गवर्नमेंट ने बोला है कि स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूक्लियर अटैक सबमरीन हम भारत को देंगे, क्योंकि हम आपके साथ तल्लुकात बेहतर रखना चाहते हैं, और बोला है कि 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट एयरक्राफ्ट इंजन। सेमीकंडक्टर में हम $15 बिलियन का एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया भर से भी जैसा मैंने कहा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। किसने सोचा था कि टी सेलर विल बी टॉकिंग that this is an age of digital, this is digital age, semiconductor की दुनिया में हमें अपना नाम पैदा करना है। इंडिया इतना एक जमहूरी मुल्क है और इतना पावरफुल है कि अमेरिका को उसने अपने ग्रिप में लिया और अमेरिका इस बात पे एग्री हो गया कि वो अपने एटमी हथियार इंडिया के साथ मिलकर बनाएगा। यकीन करें जहाँ भी वो जाते हैं, जहाँ वो कदम रखते हैं, एयरपोर्ट पे आते हैं तो एयरपोर्ट हिंदुस्तान बन जाता है, किसी हॉल में जाते हैं तो हॉल हिंदुस्तान बन जाता है, किसी पार्लियामेंट में जाकर स्पीच करते हैं तो पार्लियामेंट हिंदुस्तान नजर आता है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक ऐसा ब्रांड बन चुके हुए हैं कि जहां वो जाते हैं, जिस चाहे वो अंग्रेज की धरती है, वहां खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में खड़े हो, क्योंकि आपको पूरा हिंदुस्तान ही नजर आ रहा होगा, हर तरफ हिंदुस्तानी लोग नजर आ रहे होंगे। उससे फायदा इंडिया का क्या है कि जो इंडिया पहले परचेज करता था वो परचेज पावरिंग खत्म करके वो एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब उससे नुकसान क्या होगा, वो पाकिस्तान को ऐसा कमजोर बनाएगा एटमी हथियार के तौर पर और अपने आप को वो ऊपर लेके जाएगा। दोस्तों मोदी जी का एक ही विजन है, वो ये है कि भारत सुपर पावर बन जाए, विश्व गुरु बन जाए। इसके लिए मोदी जी दिन रात काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए अमेरिका से हम क्या क्या चीजें लेके आ रहे हैं, जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, जो किसी को पता भी नहीं था, आज वो भारत में आ रहा है और भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसका कारण यही है क्योंकि मोदी जी का एक विजन है। दोस्तों ये पहले कभी किसी ने सोचा ही नहीं था, आज से 10-12 साल पहले कोई भारत को देखता भी नहीं था, पूछता भी नहीं था, हमें सपेरों का देश कहा जाता था। लेकिन आज भारत को देख लीजिए, जहाँ कोई भारतीय नजर आ जाता है किसी देश में, उसको बड़ी इज्जत की निगाहों से देखा जाता है। उसका कारण ये है दोस्तों कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो NRI भाई हैं, जो भारत में रहते हैं नौजवान, वो बड़े मेहनती हैं, वो दिन रात काम करते हैं, वो बेवकूफियाँ नहीं करते हैं पाकिस्तान की तरह जहाँ आए दिन झगड़े लफड़े होते रहे। क्योंकि भारत का सबका एम एक ही है, हर हिंदू यही चाहता है कि हिंदुस्तान दुनिया में नंबर वन बन जाए। और दोस्तों वो दिन दूर नहीं है, आने वाले दिनों के अंदर हम दुनिया पे परचम लहरा रहे होंगे। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। देखें शहबाज शरीफ साहब जब अमेरिका पहुंचे, कोई आपको खबरें नजर नहीं आई पूरी दुनिया के मीडिया पे, ना उनके लंदन की खबरें नजर आई, ना उनके अमेरिका की खबरें नजर आई, और एक हमारे नेबर, हमारे बड़े भाई, हमारा हमसाया, उनके वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अमेरिका का दौरा करते हैं तो आप यकीन माने कि अमेरिका में लड़ाई पड़ जाती है चौधरी साहब। विजिट से पहले ही, रियली मैं सच कह रहा हूँ, विजिट से पहले लड़ाई पड़ जाती है, क्योंकि अमेरिका के जो मौजूदा बाइडन जो वजीर आजम है वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुझसे मिलने आ रहे हैं, और जो उनके साबिक वजीर आजम है, क्या नाम है, ट्रंप कहते हैं जी कि मोदी साहब मुझसे मिलने आ रहे हैं, यानी कि इनकी आपस में एक बहस पड़ गई। तो आप इस चीज से आइडिया लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या चीज बन चुके हुए हैं, वो क्या क्लास बन चुके हैं। सुपर पावर के जो दो सदर हैं वो आपस में लड़ रहे हैं कि मोदी मुझसे मिलने आए, वो कहते हैं मोदी मुझसे मिलने आए, वो अच्छा फिर जो बाइडन ने तेजी क्या की, उसने जल्दी करके क्या दिखाई, उसने क्या किया, उसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को फौरी पकड़ा और लेके अपने घर चले गए। अच्छा। मोदी साहब खबरों में ना रहे, किसी और से मिले ना, तो वो प्रॉपर अपने घर लेके चले गए, कोई और क्रेडिट ना ले जाए कि भाई देखें जी मैं भी प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिला। आपको आइडिया होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पिछले से पिछला दौरा जरा आप निकाल के देखें, रशिया का दौरा हुआ था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, तो उधर के जो वजीर आजम जो सदर है उनके, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रॉपर पर्सनली अपने घर ले गए, अपने फार्म हाउस ले गए, उधर हिंदुस्तानी रवायती खाने बनाए, और उधर ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की टीम के कोई लोग थे और ना उनके वजीर आजम की टीम के कोई लोग थे, वो पर्सनल मीटिंग थी, वो हुई सारा कुछ, वही रिवायत कायम की आज जो बाइडन ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की क्लास चेक कीजिए कि दुनिया की सुपर पावर आपस में लड़ रही है, वो कह रहे मैंने अपने घर लेके जाना है, वो कह रहे जी मैंने अपने घर लेके जाना है। उधर आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की किस किस से मुलाकात हुई है, अभी यार इस्लामिक कंट्री के ऊपर आओ, जिस मुल्क में फलस्तीन में जंग चल रही है, जिसके लिए मतलब सारी दुनिया दाएं बाएं हो रही है,
रही है, तो फलस्तीन के वजीर आजम को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मिले, जप्पी डाल के हाथ मिला के मिले, इसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, बिल्कुल कहा कि हम आपके साथ हैं, हम आपके फ्रेंड हैं। मुझे आप ये बताएं कि हमारे वजीर आजम क्या मिले उधर जाके किसी मुसलमान की कंट्रियों के साथ, खासतौर पे फलस्तीन देखे ना, मिलना चाहिए था। क्या मिले इधर, क्या फलस्तीन के वजीर आजम को जाके जप्पी डाल के कहा कि आप फिक्र ना करें हम आपके साथ हैं। अब एक तरफ तासुर दिया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फलस्तीन के खिलाफ हैं, मुसलमान के साथ नहीं है, वो मुसलमानों के खिलाफ हैं, लेकिन उधर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यार कभी किसी मुल्क में मस्जिद में जाके वो बताते हैं कि मैं मस्जिद का एहतराम करता हूँ, कभी वो मुसलमानों से जफियां डाल के कहते हैं कि यार आप फिक्र ना करो हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो बताते हैं कि मैं रिलीजन या किसी मजहब को कुछ नहीं समझता, मैं सिर्फ इंसानियत को समझता हूँ। आप पिछले एक साल के उनके 8-10-5 जितने भी टूर हुए हैं पूरी दुनिया में मुख्तलिफ कंट्रीज के बीच में, आप उनके वो 8-10 टूर जरा निकाल के देखिए, वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो अपने लोगों को प्रोटोकॉल देते हैं। वो ये नहीं कि मैं अंग्रेज के मुल्क में आया तो अंग्रेज को पहले प्रोटोकॉल दूंगा, अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटी को प्रोटोकॉल देते हैं। अभी आप देखें किसी भी मुल्क में वो जाते हैं तो हजारों या लाखों इंडियंस इकट्ठे हो जाते हैं या बहुत बड़ा हॉल होता है, तो उधर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी घंटा घंटा या 2-2 घंटा स्पीच करते हैं और अपने लोगों को बताते हैं कि आज इंडिया कहां पहुंच चुका हुआ है, आज इंडिया चांद पे चला गया हुआ है, आज इंडिया में बिजली फ्री है, आज इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के ऊपर काम कर रहा है, आज इंडिया जो है ना अपनी आईटी के ऊपर काम कर रहा है, अपने लोगों को बताते हैं कि हमने कहां से कहां पहुंच गए, इंडिया की पावर बताते हैं हर मुल्क में दुनिया के। और मैंने जब यूएई का विजिट किया वहां पे, क्योंकि अहलन मोदी के नाम से एक इवेंट था, हमने जाके देखा, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद इंडिया में हिंदुस्तान में मौजूद, और बहुत से लोगों को इवन इंडियंस ये कह रहे थे कि आज ऐसा लग रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है शायद ये इंडिया बन चुका है। और यही सीन हमने अमेरिका में देखा, तकरीबन जो खबरें हैं 20,000 के करीब जो इंडियन थे हिंदुस्तानी थे वो वहां कम्युनिटी हॉल में मौजूद थे और उन्हें इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की, बकायदा मोटिवेट किया और बताया कि आप मेरी पावर हैं, जबकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे, यूएसए में मौजूद हैं, ये दुनिया के दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, हमारी कम्युनिटी क्यों नहीं मिलती, हमारी कम्युनिटी तो प्रोटेस्ट करती नजर आती है। दोस्तों भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडिया को पिच कर रहे हैं एज ए ग्लोबल सेमी कंडक्टर हब के तौर पर, और जो चीज मैंने देखी है और जो चीज मैं महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान की लीडरशिप को जिस पर फोकस करना चाहिए, किसने सोचा था कि टी सेलर विल बी टॉकिंग दैट दिस इज एन एज ऑफ डिजिटल, दिस इज डिजिटल एज, सेमीकंडक्टर की दुनिया में हमें अपना नाम पैदा करना है, और वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी एंड टेक्नोलॉजी जो है ये अच्छी कम्युनिटीज को एस्टैब्लिश कर सकें, दिस इज व्हाट नरेंद्र मोदी सेइंग। आई कैन सी माई प्राइम मिनिस्टर टॉकिंग ऑन दीज लाइन्स। मेरे वजीर आजम आजकल सिर्फ पता किसको मिलते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो बाहर से तो आता नहीं है, मिलते किसको हैं, खिलाड़ियों को जी, ये फलाने जो है ना यंग लड़के लड़कियां उनको मिल रहे होते हैं। मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर का ये काम है, ठीक है, वो कहते हैं जी कि इंडिया के पास तो कैपेबिलिटी है कि हम एक, जिसे वो कहते हैं ना डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन, डाइवर्सिफाइड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन बन सकते हैं। अब ये जो चीजें हैं मेरी तो समझ से बाहर हैं कि हमने आज तक इस पर क्यों फोकस नहीं किया। इंडिया जो सेमी कंडक्टर के ऊपर वो कह रहे हैं कि हाँ वी आर गोइंग टू ब्रिंग अ रेवोल्यूशन, इस सिलसिले में नरेंद्र मोदी जो है वो उन्होंने मुलाकात की है एग्जेक्टिव्स के साथ, ठीक है, और उन एग्जेक्टिव से मुलाकात करने का जिसे कहते हैं ना मकसद ही एक है कि किस तरह हम अपने आप को पिच कर सकते हैं 21st सेंचुरी में, और इंडिया जो है इज नोन एज अ प्लेस जहां पर सेमीकंडक्टर्स या चिप मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हो रही है, ठीक है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दे आर वर्किंग ऑन अ सप्लाई चेन।